कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। आज की खबरों में बात करेंगे। आज है हफ्ते की शुरुआत, पहला दिन है। खबरों में जानेंगे आज की किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है। खाद्य तेल के मार्केट में आज क्या कीमतें चल रही हैं, कैसा कामकाज चल रहा है, क्या आपको रेट देखने को मिल सकते हैं लोकल मिलों में, सरसों सोयाबीन के बाजार में, विदेशी मार्केट में, आपको विस्तार से इस बारे में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले सोयाबीन के बाजार के बारे में बात करते हैं तो पिछले हफ्ते की शुरुआत सोयाबीन महाराष्ट्र सोलापुर में 4830 रुपए पर हुई। वीकेंड आने तक 4800 रुपए पर बाजार बंद हुआ। बीते हफ्ते के दौरान सोयाबीन में मांग ना रहने से 30 रुपए प्रति क्विंटल तक की गिरावट दर्ज करी गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मजबूती के बावजूद घरेलू मार्केट में सोयाबीन के भाव में कोई बड़ी हलचल दिखाई नहीं दी। पिछले हफ्ते सीबीओटी एक्सचेंज पर सोयाबीन और सोया मील वायदे में मजबूती दर्ज करी गई। सीबीओटी सोया मील की मजबूती का घरेलू मार्केट में सोयाबीन पर कोई खास असर देखा नहीं गया है। घरेलू बाजार में सोयाबीन की लगातार सप्लाई बनी हुई है, जिसके चलते घरेलू खपत के लिए स्टॉक पर्याप्त है। वहीं सोया मील के भाव में स्थिरता दर्ज करी गई है, जिसके चलते सोयाबीन में बढ़त सीमित नजर आ रही है। चुनाव के बाद व्यापार जगत इम्पोर्ट ड्यूटी में बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहा है, लेकिन वो होती नजर नहीं आ रही है। अगले महीने सोयाबीन की बुआई की शुरुआत हो जाएगी, जिससे गति और मौसम की चाल पर आने वाले टाइम में बाजार की चाल काफी हद तक निर्भर कर सकती है। फिलहाल बहुत ज्यादा कोई बड़ी तेजी आने का कारण सामने नहीं आ रहा है, लेकिन बाजार में बहुत ज्यादा गिरावट भी देखने को नहीं मिलेगी। भाव स्थिर तो हो सकते हैं, लेकिन गिरावट बहुत ज्यादा देखी नहीं जा सकती है। अब बात करते हैं रेट के बारे में कि क्या बाजारों में आज के दिन रेट देखे जा रहे हैं सोयाबीन के। तो 4720 रुपए तक का रेट है महाराष्ट्र में। लातूर में ऑक्टोगन प्लांट में 4775 रुपए तक की कीमत है। धनराज प्लांट में हरिहर प्लांट का रेट 4730 है। विजय प्लांट का रेट 4700 बाजारों में आपको देखने को मिल सकता है। धुलिया में डिसाम प्लांट में आज की कीमतें जो चल रही हैं वो 4760 है। नाडिड में श्रीनिवास अग्रो प्लांट में आज का रेट 4650 है। सोया ऑयल में महाराष्ट्र में कीमतें डिसाम प्लांट में 945 है। धनराज प्लांट का रेट 945 है। ऋषि प्लांट में कीमतें 955 है। गोयल प्लांट का रेट 965 रुपये देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन प्लांटों में आज प्रकाश प्लांट में जो रेट है वो 4825 है। प्रेस्टीज प्लांट का रेट 4775 है। धनुका प्लांट में आज कीमतें 4850 है। सावरिया प्लांट का आज का रेट 4850 रुपये आप बाजार में देखकर चल सकते हैं। सोया ऑयल मध्य प्रदेश में आज की कीमतें धनुका प्लांट में जो चल रही हैं वो 945 है। प्रकाश प्लांट में जो चल रही हैं वो 955 है। रुचि प्लांट का रेट 960 है। महेश प्लांट में 948 रुपये तक का आप यहाँ से बाजारों में रेट देखकर चल सकते हैं। सोयाबीन में बीते हफ्ते काफी ज्यादा शांति देखी गई। कीर्ति प्लांट में 4830 से 4780 रुपए तक की रेंज रही, और आवक देखी जाए तो 1,25,000 बोरी के आसपास की देखी गई और वहां से 2,00,000 बोरी के बीच का कारोबार देखा गया। सोया मिल में सुधार नहीं है, जिससे प्लांटों में डिमांड अच्छी ना होने की वजह से सोयाबीन का मार्केट स्टेबल जरूर रह सकता है, बहुत ज्यादा गिरावट आने का अनुमान नहीं है। अब बात करते हैं किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है विदेशी मार्केट में। आज क्या कीमतें देखी जा रही हैं, आज जो हफ्ते की शुरुआत है यहाँ पे जानेंगे आज क्या रेट चल रहा है, आपको विस्तार से बारे में बताएंगे। मगर उससे पहले अगर आपको खाद्य तेल मार्केट संबंधित मार्केट को उतार चढ़ाव तेजी मंदी की जानकारी चाहिए, विस्तार में अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरह से कारोबार खाद्य तेल के मार्केट में आज के दिन देखा जा रहा है, तो आप हमारा मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग में होने वाला 9:45 का जो लाइव सेशन है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप अभी व्हाट्सएप या कॉल करके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अब विदेशी बाजार के बारे में बात करते हैं तो विदेशों के मार्केट में पाम तेल सबसे सस्ता है, जिससे आयातकों को आकर्षित करता है। इसीलिए ज्यादा मंदा नहीं नजर आ रहा है। बंदरगाहों पर स्टॉक सीमित है, जो कि पाम को मजबूत रखने में काफी ज्यादा सहायक साबित हो सकते हैं। फिलहाल के लिए सोया तेल में बहुत बड़ी हलचल नजर नहीं आ रही है। आने वाले समय में 980 से 990 रुपए तक का आपको बाजार जो है सोया तेल का वो देखने को मिल सकता है। और साथ ही खबरों के अनुसार हैफेड द्वारा 21,000 टन सरसों बिक्री घोषणा से सरसों दबाव देखा गया है। धीरे धीरे मार्केट में अब सरसों में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, बाजार हल्का जरूर हो सकता है। अब बात करते हैं कि किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है लोकल मिलों में, आज क्या कीमतें चल रही हैं। तो जो आज रेट देखा जा रहा है बावर्ची ब्रांड में वनस्पति में 15 किलोग्राम में वो 1660 है। पामोलिन में कीमतें 15 किलोग्राम में 1550 है। एक लीटर पामोलिन में कीमतें 94 रुपए चल रही है। बावर्ची ब्रांड में सोया ऑयल में जो 15 किलोग्राम का रेट है वो 1600 है। एक लीटर का रेट 97 है। फॉर्च्यून में आज की कीमतें आप यहाँ से 15 लीटर में देख कर चल सकते हैं 1690 और एक लीटर का रेट 119 देखा जा रहा है। बेस्ट चॉइस में आज की सोया रिफाइंड की कीमतें एक लीटर में 94 है। पामलिन में एक लीटर का रेट बाजारों में 91 है। बिनौला में आज की कीमतें 10 किलोग्राम में आप 970 देख सकते हैं। सनफ्लावर का रेट 10 किलोग्राम में 970 है। मूंगफली में 10 किलोग्राम में आज की कीमतें 1400 चल रही हैं उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा राइस ब्रांड में जो कीमतें हैं आज की वो 92 है। सोया ऑयल का रेट 98 है।
सर्दियों में आज कीमतें 96 मस्टर्ड का रेट 118 चल रहा है, एक्सप्रो में कीमतें 116 है, पामलिन में आप 92.50 रुपए तक का बाजार में रेट देखकर चल सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं खबरों में आगे किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है आज सरसों के मार्केट में। तो पिछले हफ्ते शुरुआत देखी गई सरसों में मार्केट में, पिछले हफ्ते जबरदस्त तेजी रही, 5925 से 5925 के बीच कारोबार सोमवार के दिन देखा गया था। पिछले हफ्ते वीकेंड आने तक 6100 रुपए पर बाजार बंद हुआ। इस दौरान 100 से लेकर 150 रुपए तक की अच्छी तेजी बाजारों में दर्ज करी गई। निचले स्तर से 800 से 900 रुपए तक की तेजी के बाद सरसों में प्रॉफिट बुकिंग के संकेत भी नजर आए। सप्ताह के अंत में 3 से 4 दिनों में 300 रुपए तक की बढ़त के बाद ऊपरी स्तर से 100 से लेकर 150 रुपए तक की गिरावट दर्ज करी गई। हाफेड द्वारा सरसों बिकवाने की खबर से बाजार में एक डर का माहौल देखा जा रहा है। हालांकि माना है कि हाफेड द्वारा बिकवाली में बड़ी मंदी नजर नहीं आएगी। हाफेड ने मात्र 21,000 टन सरसों की बिकवाली का टेंडर जारी किया है, जो कि बहुत बड़ी मात्रा नहीं है। एक तरफा तेजी के चलते जो तेजी जुलाई अंत तक आने का अनुमान था वो मई में पूरी हो गई है। सरकारी एजेंसियों के पास कुल मिलाकर 24,68,000 टन सरसों का स्टॉक जो है वो पड़ा हुआ है। इतने बड़े स्टॉक के चलते इन स्तरों में सरसों में एक तरफा तेजी और भी बड़ी तेजी आने की संभावनाएं कम है। 300 साढ़े 300 रुपए तक की बढ़त की गुंजाइश है, लेकिन उसके पहले करेक्शन आने से बाजार में मजबूती देखी जा सकती है। बड़ी कंपनियों ने अपना स्टॉक तेजी से खाली कर दिया है और निचले स्तर से सरसों में बड़ी तेजी के बाद इन स्तरों पर किसान की बिकवाली भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो 100 से 150 रुपए तक का करेक्शन देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी सरसों में ध्यान जो है वो मजबूती का ही नजर आ रहा है। तो अगर आज के बारे में बात करते हैं तो बाजार में 25 रुपए तक की प्लांटों में आज गिरावट के साथ कामकाज देखा गया है, जिसमें जयपुर में आज का रेट 6175, दिल्ली का रेट 6100 है, बरवाला में कीमतें 5700 चल रही है, ग्वालियर में अगर देखेंगे रेट तो 5700, हिसार का रेट 5800 है, गोलकोटा में आज कीमतें 5950 है, मस्टर्ड ऑयल में एक्सप्रेस में जो आज की कीमतें हैं जयपुर में वो 1158 है, दिल्ली का रेट 1170 है, भरतपुर में आज कीमतें 1140 हैं, कचिघानी में रेट जयपुर का 1168 है, कोटा में आज कीमतें 1180 हैं और भरतपुर में आज का रेट 1150 रुपए आप बाजार में देखकर चल सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं प्लांटों के बारे में, तो प्लांटों में सलोनी शमशाबाद में जो आज का रेट है वो 6500 है, जहाँ 25 रुपए तक की गिरावट दर्ज करी गई है। सलोनी डिग्रेन में आज कीमतें 6500 है, जहाँ 25 रुपए तक की गिरावट दर्ज करी गई है। सलोनी अलवर में आज कीमतें 6400 है, जहाँ 50 रुपए तक की नरमी आई है और सलोनी कोटा का रेट 6450 चल रहा है। मार्केट में ओवरऑल आज के दिन देखा जाए तो बाजारों में आपको बहुत ज्यादा एक तरफा तेजी तो देखने को नहीं मिलेगी। नाफेड के बाद ऊंचा स्टॉक तेजी के बाद मुनाफा वसूली के चलते यहाँ से भी जो भी बढ़त मिल जाए उसमें बचा हुआ स्टॉक आप खाली कर सकते हैं सरसों में, उसके बाद आप जरूरत के हिसाब से बाजारों में खरीदारी कर सकते हैं। और क्योंकि ये हफ्ता जो है वो मंथ एंड है, एक्सपायरी का हफ्ता है, तो इन सब चीजों को भी ध्यान में रखते हुए जरूरत के हिसाब से आप यहाँ से खाद्य तेल के मार्केट में जरूरत के हिसाब से व्यापार जरूर कर सकते हैं। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ। Thanks for watching Bureau Report News Market 24.